नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलर मैं देख रही हूँ YouTube पर। बहुत सारे जो म्यूज़िक लवर्स हैं, म्यूज़िक लिसनर्स हैं, वो अपने क्वेश्चंस डालते हैं और उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। सो कुछ क्वेश्चंस मैंने जो रैंडमली लिए हैं, उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम सुबह भैरव का रियाज ही करें या फिर कोई और राग भी कर सकते हैं। देखिए, भैरव जो है एक मॉर्निंग राग है, सुबह का राग है, और जितने भी राग बनाए गए हैं वो हमारे प्रकृति के हिसाब से बनाए गए हैं। हमारा जो मानसिक स्थिति रहता है वो मॉर्निंग के आवर्स में हमारा बहुत ही स्लो रहता है, शांत रहता है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चहल पहल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो उसी तरीके से रागों का भी अब अगर आप नेचर देखेंगे वो भी कुछ इस प्रकार से ही बनाए गए हैं। मॉर्निंग में आप भैरव का रियाज कर सकते हैं क्योंकि उसमें मंत्र के स्वरों का आप मेनली रियाज करते हैं। मॉर्निंग में होते ही आप तार सप्तक के स्वरों का नहीं रियाज करते हैं। हर समय जब भी आप रियाज करें मॉर्निंग में, लोअर ऑक्टिव नोट्स का रियाज करें, फिर मिडल ऑक्टिव नोट्स का रियाज करें, वार्म अप करें अपने सुरों को लेकर, सुरों को लेकर समझें, समय दें, और उसके बाद ही जाकर तार सप्तक में जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि मॉर्निंग के ही रागों का रियाज करें और उसमें सुरों को किस तरीके से रियाज करना चाहिए, जितना आप डीप अपने सुरों को समझेंगे उतना आपको हेल्प होगा। हमारे गुरुजी हमको हर समय यही बोलते हैं कि मॉर्निंग में आप अगर जितना नीचे के सुरों का रियाज करोगे, शाम के समय पे आप उसका ऑपोजिट करिए, ऊपर के सुरों वाले राग। इसलिए जितने भी आप शाम वाले राग मिलते हैं वो तार सप्तक के उत्तरांग प्रधान राग ज़्यादा मिलते हैं आपको। पूर्वांग राग जो हैं वो मॉर्निंग में मिल जाते हैं, जैसे तोड़ी है, भैरव है, भटियार है, आप जिस तरीके से गाते हैं। इवन आप आफ्टरनून में भी जो गाते हैं, देसी गाते हैं, मधुवंती गाते हैं, मुल्तानी गाते हैं, तो हर एक राग का एक टेम्परामेंट है। तो अगर समय मिलता है सुबह तो मॉर्निंग में मॉर्निंग रागों का रियाज करें, अगर आफ्टरनून में भी समय मिलता है तो आफ्टरनून रागों का भी रियाज कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग रागों का ही सुबह रियाज करें। भैरव के प्रकार ले लें, तोड़ी गा सकते हैं आप सुबह, भटियार गा सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हल्का सा समय हो जाए तो जौनपुरी गा सकते हैं, काफ़ी थाट के राग गा सकते हैं, आसावी थाट के राग गा सकते हैं। तो इस तरीके से भीम पलासी उसके बाद आ जाते हैं जो आफ्टरनूनस में आ जाते हैं। और शाम के समय पर आपको अगर समय मिल जाता है, अगर आधा घंटा भी मिलता है, तो आप शाम के समय पर यमन हुआ, मालकौंस हुआ, बागेश्वरी हुआ, रागेश्वरी हुआ, जो भी आपको राग आता है उसको आप शाम के समय पर रियाज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि मॉर्निंग में क्या हम लोग सी शार्प पर रियाज करें। मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर स्केल है, ये मैंने ऑलरेडी बोला भी हुआ है अपने कुछ वीडियोस में, बट मैं वापस से बिकॉज ये क्वेश्चनेयर में एक सेशन बना रही हूँ आपके साथ। तो ये क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में अगर आप नॉर्मली आप सी शार्प में गाते हैं, समझ लीजिए कि आप इवनिंग में जब गाते हैं आपका बहुत सुंदर गला वहाँ पर खिलता है कि आप ऊपर के सुरों को भी इजीली गा पा रहे होते हैं। तो सुबह के समय पे ये अगेन सी एवरीथिंग वॉट एवर आई एम टेलिंग यू आई हैव लर्न इट फ्रॉम माई गुरुज, सो दैट्स वाई आई एम एबल टू टेल यू। जब आप मॉर्निंग में रियाज करें तो आपका गला एकदम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डीप होता है वॉइस, तो आपका अगर मान लीजिए सी शार्प आपका स्केल है सपोजिंग में, तो सी पर या फिर बी नेचुरल, या तो फिर आधा नोट नीचे या फिर पूरा एक वन होल नोट नीचे आप रियाज करा करें। उसके बाद शाम के समय पे आप उसको सी शार्प में कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर वॉइस ऑल्सो। किसी दिन मेरा गला बहुत अच्छा चल रहा होता है तो आई कैन फील इट, आई कैन ईजिली फील इट। यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज योर वॉइस। तो किसी और के बातचीत पर नहीं कि किसी को दिखाना है मुझे, ऐसा नहीं है। यू सिंग इट फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन सोल। उसको सूदिंग करने के लिए हम पहले गाते हैं। तो
आप नीचे के सुरों में थोड़ा सा डीप नोट्स में गा सकते हैं, हाफ नोट नीचे करके गा सकते हैं। अगर आप बी नेचुरल से नॉर्मली गाते हैं तो आप उसको ए शार्प में या फिर ए में गाइए। और शाम के समय पे आप अगर सी में गा सकते हैं तो सी में गाइए। थोड़ा सा हाई अगर किसी देख सकते हैं, या डिपेंड करता है किसी दिन आपका, बट एक बेस, अपना एक बेस स्केल रखिएगा जिस पर आप रियाज करा करें। क्योंकि प्रोग्राम में गाना और रियाज करने में फ़र्क होता है, डिपेंड हो जाता है, चेंज होता है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन यू फील क्रैक इन योर वॉइस एंड ड्राइनेस, व्हाट टू डू? सो दिस हैपन्स व्हेन यू डोंट ड्रिंक वाटर एंड योर वॉइस, यू गेट डिहाइड्रेटेड। मेन रीज़न ये होता है। कुछ मुझे मैसेज बॉक्स में ये भी लिखा है कि पानी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत सारे वीडियोस में बोला है। नॉर्मल नेचुरल रहिए ना, जो आपको सही लगता है आपकी बॉडी के हिसाब से। जब प्यास लगती है तो प्यास आप पानी पीते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सीन सम डॉक्टर्स, बिकॉज आई हैव स्टूडेंट्स हु आर डॉक्टर्स, तो उनको देखा है जब मेरे साथ क्लास भी करते हैं, दे हैव लिटिल बिट ऑफ सिप ऑफ वाटर, क्योंकि ड्राइनेस हो जाता है। बहुत देर तक गाते हैं, बातचीत करते हैं तो ड्राइनेस हो जाती है गले में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ग्लास भर के पानी पीते रहिए हर समय, बट मेन है कि जब आपको लगता है कि हल्का सा रूखा हो रहा है गले में, सो अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है गले के अंदर, तो फिर आप पानी पी लीजिए एंड देन यू गो बैक टू योर ओन रियर्स। तो उसमें कोई गलती नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न। And also one more reason, the crack जो बोल रहे हो आप, maybe you are not singing on your right scale. So now another question comes here, what is your right scale, right? So right scale is basically जब आप एक particular middle octave के सा से लेके higher सा तक अपना गा सकते हैं। किसी भी scale को पहले आप check कर लीजिए कि मैं कहाँ पर easily गा सकता हूँ या गा सकती हूँ comfortable zone में, और उसके बाद 3-4 सुर नीचे के मंद्र सप्तक के सुर, और 2-3 स्वर कम से कम मिडल तार सप्तक के सुर, यहाँ तक गा सकें। सो दैट इज़ योर कंफर्टेबल स्केल। अगर मैं गा रही हूँ तो मैं अगर ए शार्प से गा रही हूँ तो ए शार्प से ए शार्प के सा तक, हायर सा तक मैं इजीली गा सकूँ। नीचे के कम से कम ना हो तो मध्यम तक मेरा सुर पहुँचे, मंद्र सप्तक के मध्यम तक, और तार सप्तक में कम से कम ना हो तो गंधा या मध्यम समहाव पहुंच सके। तो ऐसे करके अपना स्केल फिगर आउट करिए। वही मैं बार बार बोलती हूँ कि वी व्हेन वी सिंग वी शुड सिंग इट इन आवर कंफर्टेबल जोन, सो दैट हमारे वॉइस में क्रैक ना हो। कंफर्टेबल जोन में गाना है, डिसकम्फर्ट के म्यूजिक नहीं होता है। दैट्स अ बेसिक थिंग, बट इट इज़ मोर अबाउट द साउंड। यू हैव टू लिसन, यू जस्ट क्लोज योर आइज। चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं हमारे लाइफ में, बट हम लोग उसमें से कैसे करके निकल आए वो मेन हमारे लिए रहता है। सो आई बिलीव आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं आंसर कर पाई हूँ, होपफुली आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा कि आपको आपके आंसर्स मिले या नहीं। एंड इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आस्क, यू मे राइट डाउन इन दैट बॉक्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, थैंक यू।